चल चल घर चले जा। ये बहुत ही खुशी की बात है कि लहासा ऐसे लहासा माँ के तो हर साल लगता था कि मेरे मुझको ये कहने दीजिए, मैं बिल्कुल अपने तहे दिल से कह रहा हूँ कि लहासा एक नए रूप में, एक निखरे हुए रूप में आज लगा है और हम लोग बैठ करके वहाँ आए हैं उसका इनॉग्रेशन करने के लिए। इसके लिए हम सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को और जितने भी कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने इस पर मेहनत किया है और खास तौर पर जिनकी हिदायत पर और जिनके डायरेक्शन पर और जिनकी इनके लीडरशिप में ये हो रहा है, वो है जनाब इरशादुल्लाह साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का शुक्रगुजारों का आपने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया है। इसको कायम रखना है और इसको हमेशा आगे बढ़ाना है और हम समझते हैं कि हमारे जितने साथी हैं खास करके तिब्बतीय लोग, उनको मैं शुक्र अलग से शुक्रिया अदा करूं उनके कोऑपरेशन के लिए, उनकी हिम्मत के लिए, उनके उनके वलवले के लिए और उम्मीद करते हैं कि हर साल वो आएंगे और अगले साल हर साल निखरा हुआ रूप लहासा मार्केट का इस जमीन पर, इस हाईकोर्ट मजार शरीफ के प्रांगण में लगेगा। अब मैं आशीर्वाद दें और खास करके ये सब तीन लोग जो हैं ये उनके इस आशीर्वाद के मुस्तक हैं। मैं जनाब इरशादुल्लाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ, जनाब इरशाद आज इस हाईकोर्ट मजार के प्रांगण में हर साल की तरह इस साल भी आज तीसरा साल ये लहासा मार्केट तिब्बती समाज के लोग यहाँ आते हैं और बहुत अच्छा एक लहासा मार्केट का यहाँ जो इन लोग आयोजन करते हैं बहुत खुशी होती है। पटना और दूर दराज के लोग, देहात के लोग भी यहाँ आकर के प्रतिनिधि करते हैं। इसके लिए मैं इस प्रबंध समिति हाईकोर्ट मजार के प्रबंध समिति के सेक्रेटरी अजीम साहब, अब्दुल वाके साहब, अदील साहब, एडवोकेट खुर्शीद साहब और जितने भी इस प्रबंध समिति में हैं, इन लोगों के सहयोग से हर साल अच्छा इंतजाम किया जाता है और ये लहासा मार्केट जिसमें हर तरह के इस तीन महीनों और चार महीने का ये एक सीजन होता है जाने के कपड़ों का, तो मैं जब भी आता हूँ तो एक मेला लगा हुआ रहता है पटना शहर के
आई पटना के इर्द गिर्द के देहात के लोग भी आकर के यहाँ खरीदारी करते हैं। ये और भी जगहों पे मैं देखता हूँ लासा मार्केट, लेकिन इतना बढ़िया से इतना मैनेज ढंग से मैं दूसरी जगह नहीं देखता हूँ। वहाँ अपना सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि अपना करीब करीब लगभग 20-20 करोड़ इन लोगों ने जो है सो बनाया है, और हर तरफ दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। उधर कश्मीरी लोगों की भी दुकानें लगी हुई हैं। ये सारी चीजें ये मनमोहक है, आदमी को प्रभावित करता है, खासतौर से तिब्बती के तिब्बती समाज के इनके जो भी है अगले साल इनके सरदार और इनके जितने भी एक हिंदू की मैनेजमेंट कमेटी है उन लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि इसको और बढ़ाएं और अच्छे अच्छे कलेक्शन यहाँ लेकर के आए। कि पटने के लोग सारे लोग जैसे पुलिस ओवर कोट है और भी लेडीज ओवर कोट है कुछ अच्छी क्वालिटी का ये लाए। पटना में जो है सो अच्छे चीजों के लोग जो है सो परचेज करने की क्षमता रखते हैं, तो आने वाले दिनों में अभी ज्यादा तो नहीं गिरा है लेकिन एक आध हफ्ते में ठंड गिर जाएगी। तो मैं ये चाहूंगा कि ये कलेक्शन अच्छा हो। हमारे बीच अब दुजाना साहब हमारे मंत्री जी भी मौजूद है, बड़ी खुशी की बात है। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में हमारे मंत्री और हमारे दोस्त हमारे भाई अब दुजाना साहब पूर्व MLA यहां पे मौजूद हैं। मैं सारे लोगों का इस्तकबाल करता हूँ और तिब्बती समाज के जितने भी हमारे तिब्बती समाज के जितने भी लोग यहाँ पे दुकानदार हैं या इसके मैनेजमेंट करता है मैं उन लोगों को बधाई देता हूँ। और आप लोग इत्मीनान से ये अपना इस तिब्बती मेले का जो लगाया है आपने इसका जो आप लोग ये देखें इसमें यहाँ कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। प्रशासन भी यहाँ जो तंदुरुस्त है प्रशासन भी आप लोगों की मदद करेगा। और आप लोगों को एक बार प्रवर्तन समिति के सारे सदस्यगण और सेक्रेटरी को मैं बधाई देते हुए सारे हाईकोर्ट बाजार के जितने भी लोग हैं उन लोगों को मैं बधाई देता हूं, और तिब्बती के जितने भी लोग हैं मैं उन लोगों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लासा मार्केट में उपस्थित तमाम राज्यों को आयोजक समिति की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन है। यहाँ पे उपस्थित अभी कुछ देर से ही हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे विधानसभा दिनारा विधानसभा के माननीय विधायक विजय मंडल जी भी यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, और हमारे जगजीवन और हम लोगों के अभिभावक बिट्टू भैया भी हमारे सभा में उपस्थित है। तो हम चाहेंगे अपने कमेटी के अपने टीम के सदस्यों से कि सभी का स्वागत समारोह और सम्मान समारोह के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो मैं राकेश भैया से आग्रह करना चाहता हूँ कि अन्न वस्त्र और गुलदस्ते से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। पहले तिब्बती जो यहाँ तिब्बत से जो लोग आए हैं पहले ये सम्मान करेंगे, उसके बाद फिर हमारे आयोजक जो कमेटी के सदस्य लोग हैं वो माननीय मंत्री जी लोग और यहाँ पे उपस्थित समाज सेवी लोग विधायक जी सभी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब
इधर देखे इधर मनोज भैया साझा करना चाहते हैं कि मान वस्त्र से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। अब अगले कड़ी में राखी भैया साझा करना चाहते हैं कि चेयरमैन साहब को मान वस्त्र से सम्मानित करें। और लाइए ना इधर जी इधर से अरे और लाइए इधर इधर से माननीय नदीम भैया साझा करना चाहते हैं कि विजय कुमार मंडल जी को अन्नपत्र से सम्मानित करें। मनोज भैया साझा करना चाहेंगे कि बिट्टू भैया के जो हम लोग का अभिभावक है और युवाओं के सामने है उनको सम्मानित करें। अब मैं यहाँ के विधायक जी से आगे करना चाहेंगे कि मनोज भैया सम्मानित करेंगे। जोगनू भैया यहाँ के सेक्रेटरी साहब को सम्मानित करेंगे। सुजीत भैया चलो भाई फालतू आदमी हटिए। अब नदीम आगे करेंगे यहाँ के कमेटी के सदस्य और हम लोग हमेशा साथ रहते सम्मानित किया जाए यहाँ के सदस्य और हम लोग के पूरे टीम के सदस्य वाकिफ भैया को भी इस लहासा मार्केट के तरफ से और दिव्यांशी मल्टीक्रम के तरफ से भी सम्मानित किया गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अभिभावक लोग उपस्थित हैं और हर एक साल पिछले 50 वर्षों से पटना की धरती पे पटना के हर एक कोने कोने में लहासा मार्केट तिब्बती शरणार्थी संघ जो तिब्बत के लोग रहने वाले हैं अपने उन्हीं वस्त्रों से जो सस्ते दरों में अच्छे क्वालिटी के कपड़े ये लोग लाते हैं जिससे गरीब से यहाँ उपस्थित मंसूरी साहब मंत्री हैं बिहार सरकार में अबू दुर्जाना जी हम लोग के संकट के अध्यक्ष और यहाँ तमाम लहासा मार्केट में तमाम लोगों को स्वागत है। देखिए हम लोग बच्चा थे तब से लहासा मार्केट को देखते आ रहे हैं और यह बहुत खुशी हो रहा है देख के कि आज लहासा मार्केट हाईकोर्ट मजार के प्रांगण में खुला है और व्यवस्थित तरीके से खुला है। आज सभी तिब्बतियन लोग को बधाई है और जिस तरह से अध्यक्ष महोदय ने यह जगह देने का काम किया आप लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया अध्यक्ष महोदय बधाई के पात्र हैं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये दर्शाता है अध्यक्ष जी के आप लोग कितने करीब इनके दिल के करीब हैं। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को इस तरह का भव्य दुकान खोलने के लिए। आशा करते हैं इस साल आप लोगों का बिक्री बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लहासा मार्केट उद्घाटन समारोह में उपस्थित इरशादुल्ला साहब माननीय विधायक विजय कुमार मंडल जी माननीय पूर्व विधायक अबू दुर्जाना भाई बिट्टू भाई उपस्थित तमाम राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्तागण हम तो आए हैं पहली बार इस मार्केट में मेरा अलग ही अनुभव रहा है और हम देखने के बाद ये जो तिब्बत शरणार्थी संघ के द्वारा ये जानकारी मिली कि लगभग 5 दशकों से 50 वर्षों से इस तरह का मेला का आयोजन किया जाता रहा है और इन लोगों का जज्बा जो हम देखा है या मोहब्बत जो देखे हैं ये तिब्बती लोगों का मिलने का और सम्मान करने का आप तमाम तिब्बती शरणार्थी संघ को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और
निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे कि जानकारी लगी है कि सर्द के मौसम में कपड़े का भी अच्छा इनका जो है से प्रोडक्शन होता है और कम दर में सस्ते दर में लोगों को यह जो है ऊनी कपड़े मुहैया कराते हैं। हर तरह की जो है सो यहाँ पर कई तरह के वस्तु है दिखाई दे रहे हैं जो सस्ते दर पर इनके द्वारा दी जाती है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और उन आयोजकों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आयोजक जो है हम लोग जैसे लोगों को भी बुलाने का काम किया है। चूंकि हम यहाँ आए हैं तभी इस लहासा मार्केट के बारे में मुझे जानकारी मिली है। हम चाहेंगे कि इसी तरीके से ईश्वर अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि आपका जो है लहासा मार्केट बहुत ही अच्छा व्यवसाय करे और अच्छी सेवा दे। इसी के साथ जय हिंद जय बिहार।